नमस्कार, ज्ञानवीर में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुस्से को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति सोचने समझने की ताकत को खो देता है, जिससे वह सही और गलत का फैसला भी नहीं कर पाता है। दोस्तों, गुस्से में बोली गई बात और गुस्से में किए हुए काम, इन सभी से हमें नुकसान होता है, जिसका एहसास हमें गुस्सा शांत होने के बाद में होता है। मन शांत और खुश हो तो व्यक्ति आसानी से गुस्से पर काबू पा सकता है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मन को शांत करने और गुस्सा दूर करने के उपाय। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और हमारा ज्ञान वीडियो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अब आपको बताते हैं गुस्सा कम करने के उपाय। पहला है, गुस्से को दूर करने के लिए कभी भी खुद पर टेंशन को हावी ना होने दें। कुछ लोग ज्यादा टेंशन में अपना आपा खो देते हैं। दूसरा है, किसी से बात करते समय अगर आपको कोई बात बुरी लगे और गुस्सा आए तो बेहतर होगा कि आप कोई बहाना बनाकर कुछ देर के लिए उस जगह को छोड़ दें या फिर वहां से चले जाएं। ऐसा करने से कुछ देर में आपका मन हल्का हो जाएगा, उस व्यक्ति से झगड़ा भी आपका नहीं होगा। तीसरा है, परेशानियां बांटने से भी आपका मन हल्का होगा। किसी परेशानी के कारण अगर आपका दिमाग तनाव में है तो अपने बीवी बच्चों, माता पिता या किसी दोस्त के साथ अपनी परेशानी को शेयर करें। ऐसा करने पर आपको अपनी समस्या से छुटकारा पाने में आसानी होगी और मन भी शांत रहेगा। चौथा है, कुछ लोग अपने काम करने और जिम्मेदारियां निभाने में इतने व्यस्त होते हैं कि खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते, जिस वजह से बहुत जल्दी तनाव उन पर हावी हो जाता है। इसे बचने के लिए अपनी दिनचर्या में अपने लिए कुछ समय निकालें और ऐसे काम करें जो आपको पसंद हो, जैसे कि अपने पसंद के लोगों के बीच कुछ समय बिताएं, अपनी पसंद की जगह जाना। ऐसा करने पर आप खुश रहेंगे और हर काम में आपका मन लगेगा, जिससे बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम से भी आप आसानी से बाहर निकल पाएंगे। पांचवा और आखिरी उपाय है कि आप गुस्सा शांत करने के लिए आप अपनी आंखें बंद करें और लंबी गहरी सांस लें और अपना पूरा ध्यान सांसों पर लगाएं। 5 से 6 बार ये क्रिया करने से आपको हल्का महसूस होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारा ज्ञान वीडियो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।